नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने रैंडम स्टॉक के अपडेट्स लेके आया हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस एक लास्ट वीडियो में रैंडम स्टॉक के अपडेट में आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि आज के कौन सा स्टॉक में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ और इतना बुल रन क्यों हुआ था और इतना क्रैश क्यों हुआ, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं तो आज निफ्टी में करीबन 46 पॉइंट्स के आसपास करेक्शन देखने को मिला, और बीएससी में करीबन 250% के आसपास, और बैंक निफ्टी में 134 पॉइंट्स के आसपास, और बीएससी में 247% के आसपास। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सारे सेक्टर में, सारे इंडेक्सेस में देखा जाए तो 0.35% के आसपास एवरेजली करेक्शन देखने को मिला। तो ऑब्वियसली नेगेटिव अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूसली अभी भी सेल ऑफ देखने को मिला है, और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के बाद अभी इसराइल के से देखा जाए तो जो मतलब हमास के साथ जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके साथ साथ अभी नया बहुत सारे खबर आ रहा है कि बाकी जो मतलब मुस्लिम कंट्री है, जो अरबिक कंट्री है, और इसराइल के साथ साथ अभी सीरिया और भी देखिए बहुत सारे कंट्रीज अभी युद्ध करने के लिए वो तैयार हो रहा है, और बहुत सारे सिचुएशन भी अलग क्रिएट हो रहा है। अगर आप गूगल में सिर्फ इसराइल लिखकर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल 3700 जो पैलेस्टिनियंस है तो उसको मारा गया है, किल कर दिया गया है, मतलब इसराइल के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा पहले हादसा हुआ, तो उसके बाद इसराइल ने अटैक किया और बहुत सारे जो सिविलियंस है उसका जान गया। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, जो मतलब ऋषि जी है, जो मतलब यूके का जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद कहा कि इस तरीके से अगर युद्ध स्टार्ट हो गया तो मतलब वर्ल्ड वॉर जो मतलब विश्व युद्ध है तो वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, और थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से सिचुएशन कुछ गंभीर होता देखने को मिला है, जिसके चलते हैं ग्लोबली मार्केट में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्लोबली मार्केट में सारे के सारे रेड कलर में आपको दिखेगा। ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट पैनिक सिचुएशन में है, कंटिन्यूसली गिरावट के माहौल में देखने को मिला है। अभी कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीवीआर के बारे में। आज पीवीआर का रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी देखिए एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला और क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ। देखिए नेगेटिव में क्यों हुआ उसके बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, आज रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट जम देखने को मिला, नेट प्रॉफिट जो है वो 53% के आसपास जम हुआ है, रेवेन्यू अच्छा खासा जम हुआ 53%, और नेट प्रॉफिट 166 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जम देखने को मिला। तो फॉर्च्यून इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि जो जवान है और उसके साथ साथ जो गदर 2 है, ये दोनों मूवी में पीवीआर और आईनेक्स का जो क्वार्टर जो रिजल्ट है, क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लेके आए। अगर जवान और गदर मूवी नहीं आता तो प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिलता, इस तरीके से कुछ अपडेट्स दिया जा रहा है। देखिए ये तो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ इसीलिए रखा हूं क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो देखिए पीवीआर और आईनेक्स में एक ही बात कहूंगा कि रिजल्ट तो अच्छा आया तो फिर भी मार्केट उसको पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट इसीलिए लेके आया क्योंकि ये दोनों मूवी के कारण ही प्रॉफिट जम हुआ है, नहीं तो प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता, इस तरीके से कुछ बातचीत किया जा रहा है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि मार्केट खुलते ही एक बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किए और नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे बिग क्रैश इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। देखिए फॉर्च्यून इंडिया इसी वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि अदानी एनर्जी कमीशन 765 जो किलो वोल्ट का जो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन का जो प्रोडक्ट था, सॉरी ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फेल किया गया है, तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर भी फॉल देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगा तो मार्केट में एक प्रेशराइज हमेशा देखने को मिलता है। तो देखिए मार्केट में ना जब बुल रन होते हैं तो हर कोई बुल रन में शामिल तो होता है, मगर सब मतलब डर के शामिल होता है। जब मार्केट बेयरिश रन में होता है ना तो लोग मतलब तगड़ा सेलिंग करते हैं, उसको लगता है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, मेरा शेयर गिर जाएगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं, तो वो लोग माल बेचने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा अदानी मतलब यहाँ पे जो अदानी जो ग्रीन है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इस कंपनी अदानी की हालत खराब है तो इसीलिए इसके ऊपर करेक्शन हुआ, तो जब अदानी का हालत फिर से ठीक ठाक हो जाएगा तो मुझे लगता है फिर से इस कंपनी का रिकवरी होने का चांसेस दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हैप्पी स्माइल।
देखिए इक्विटी जो बुल्स है इस वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है कि हैप्पी स्माइंड ने यहाँ पे हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पे एक इंटरिम डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, वो भी 2.50 के आसपास, मतलब 2.5 रुपीज के आसपास पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को कमेंट्स भी आया था कि सर इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, जितने सारे लोग मार्केट में नया आए हैं उसके लिए इस क्वेश्चन कॉमन है, क्योंकि उनका कहना है कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों चीज देखने को मिलता है। एक्चुअली इंटरिम डिविडेंड है कंपनी के जो प्रोमोटर है, अगर प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, तो अगर हिस्सेदारी कम है तो उसको बाकी जो शेयर होल्डर है वो सारे के सारे शेयर होल्डर के साथ डिस्कशन करके वोटिंग किया जाएगा, तो वोट में जो वोट ज्यादा जहां पे मिलेगा उसी डिसीजन को लिया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड प्रोमोटर खुद दे सकते हैं, तो इसलिए इंटरिम डिविडेंड प्रोमोटर ने 2.5 रुपीज के आसपास अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अभी कब इसका डिविडेंड मिलेगा वो यहाँ पे मतलब दिया भी गया है, 17 तारीख को अनाउंसमेंट किया गया है, और आपको डिविडेंड देखा जाए तो नवंबर के 13 तारीख को नवंबर में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम आप देखेंगे बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो इंडिया के एक पॉपुलर टू व्हीलर्स कंपनी है, टू व्हीलर के साथ साथ कंपनी थ्री व्हीलर्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं पिछले दिनों में भी वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो शानदार तरीके से देखने को मिला, और नाइजीरिया में जो इसका प्रोडक्ट कम बेचा जा रहा था और प्रोडक्ट फिर से बेचना स्टार्ट हो चुके हैं, नाइजीरिया में सेल्स का डिमांड बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए बजाज ऑटो का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आज के दिन देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही एक धमाका देखने को मिला, 6.5% के आसपास यहाँ पे मैसिव जाम देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनीज की मतलब सिचुएशन चेंज होता है तो वो कंपनी एक धमाका जरूर दिखाते हैं। तो अगर इस कंपनी के मैं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और करीबन 2000% के आसपास कंपनी रिटर्न यहाँ पे दे रहा है आपको। तो बजाज ऑटो ने एक डिविडेंड पे आउट के यहाँ पे फैसला भी लिया, तो कंपनी डिविडेंड पे आउट भी देने वाला है। तो कब डिविडेंड मिलेगा तो इसका तो अभी फाइनली डिस्कशन नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है डिविडेंड के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब डिविडेंड का फाइनली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज के दिन मेरी एक पसंदीदा कंपनी LTI MIT जिसके पिछले दिनों में रिजल्ट आया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि मार्केट में रिजल्ट को किस तरीके से वेलकम करते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए TCS का भी रिजल्ट अच्छा हुआ था और इन्फोसिस का भी रिजल्ट अच्छा हुआ था, फिर भी वो शेयर में करेक्शन हुआ, मगर LTI के भी सेम टू सेम TCS और इन्फोसिस जैसा ही रिजल्ट हुआ, फिर भी देखिए LTI पॉजिटिव में क्लोज ओपन हुआ। इसलिए बार बार बोलता हूँ कोई भी कंपनी का रिजल्ट आज के दिन आपको देखने को मिला इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर डायरेक्टली बाय कर लेंगे सेल कर लेंगे, इसे बिल्कुल मत करिए, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होंगे आपको पता नहीं है। तो प्लीज इस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद डायरेक्टली जाकर इंट्राडे मत कर लीजिएगा। हाँ, आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं सारे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, अगर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो जरूर काम कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भरोसा करते हैं तो जरूर काम कर सकते हैं, और आप मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हैं ये भी मुझे पता है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए और वहां से जो आपको नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज को लेकर आप खुद काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपको मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूं जो आप सीख कर खुद को इम्प्लीमेंट करके आप काम कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। तो देखिए LTI MIT के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर कल के दिन अच्छा खासा रिजल्ट आया और करीबन ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, और मगर अच्छा खासा तो रेवेन्यू में ग्रोथ है मगर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन था, फिर भी देखिए स्टॉक के ऊपर जम देखने को मिला। तो ये कुछ एस्टिमेट के वजह से देखने को मिलता है और कुछ मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं, तो हम और आपके बातों में नहीं चलेगा, तो मार्केट किस तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं उसी बेसिस में स्टॉक के ऊपर एक जम देखने को मिलता है। तो आज के दिन ITC का रिजल्ट आने वाला था, वो फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तो आप देखेंगे तो ITC जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट रेज FMCG का बिग प्रॉफिट रेज देखने को मिला, और वो भी 5% का ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिला है। तो रिजल्ट फाइनली आपको आज के दिन जरूर देखने को मिलेगा, और ITC के ऊपर फोकस रखना कल के दिन। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है NBCC। देखिए NBCC आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर आज के दिन धमाका एक परफॉर्मेंस देखने को मिला, करीबन साढ़े 11 से 12% का आसपास एक जम देखने को मिला है, और इस जम के पीछे कुछ रीजन भी है। आप देखेंगे स्टॉक ऑफ दिस PSU जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है कि सिविल कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जूम 60% इन जस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ में जितने सारे सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सारे कंपनीज में 60% तक जम देखने को मिला, और वो भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो इसीलिए सिविल कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे
पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा है, जिसके चलते है जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है वो सारे कंपनीज के ऊपर धमाका देखने को मिला है। तो NBCC के ऊपर आपका पसंदीदा कंपनी है तो जरूर फोकस रखिए। मेरे तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है क्योंकि मैं गवर्नमेंट कंपनी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, कुछ कंपनी मेरे पास है गवर्नमेंट का, बाकी आप समझदार है समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए मैं पिछले दिनों में ही आपको बताया था कि एस्ट्रॉल के ऊपर एक बिग क्रैश आज नेक्स्ट डे में आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली क्योंकि उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस रिजल्ट में कुछ करेक्शन देखने को मिला था, मतलब रिजल्ट में कुछ फॉल देखने को मिला था और जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को वो कंपनी बीट नहीं कर पाए थे, जिसके चलते एस्ट्रॉल के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इसका मतलब एनी के कंपनी बर्बाद हो गया। एस्ट्रॉल इंडिया के नंबर वन कंपनी है और इस कंपनी ने खतरनाक रिटर्न भी दे चुके हैं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 44,000% के आसपास रिटर्न दिया। तो 44,000 का मतलब है 140 गुना आपको रिटर्न, 140 गुना। तो सोचिए अगर आपने 1,00,000 रुपया निवेश करके रखे थे तो आपका 440 गुना हो चुके हैं, तो वो फंड आपका मतलब 4,40,00,000 रुपया हो चुके हैं वो फंड। तो सोचिए इस तरीके से नजरिया देखने के लिए आपको कुछ कंपनीज के ऊपर तो भरोसा करना ही होगा। तो बाकी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से रैंडम वीडियो के अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।